तो आज ज्योति है आप सभी के साथ और आप सभी से जुड़ने का जरिया 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़ आपकी अपनी आवाज़। और इन दिनों की जो खास आवाज़ दिल से आ रही है वो ये है कि इस कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर से अपनों को और खुद को किस तरह से बचा कर रखा जाए। और ऐसे में क्या होता है ना कि जब भी हम आसपास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर असर करती है, और अगर बाई चांस कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो बहुत सारी घबराहट दिल में पैदा हो जाती है कि शायद पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और बात की जाए इस चेन को ब्रेक करने के लिए शुरू की गई वैक्सीनेशन की मुहिम के बारे में, उस बारे में भी लोगों के दिल में बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर जानकारी हम सभी को होना। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके दिल में उठ रहे इतने सारे सवाल जो है ना कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए या फिर वैक्सीनेशन से जुड़े हुए, उनका एक सही सटीक जवाब आप सभी तक पहुंचाया जाए। और इसलिए आज हम जुड़ेंगे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट से। डॉक्टर एनएस बिष्ट, इन दिनों लोगों तक कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बातें या फिर और कई जो खास जानकारियां हैं उन तक पहुंचाने का एक बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं डॉक्टर एनएस बिष्ट जी से कुछ खास बातें। तो सबसे पहले डॉक्टर एनएस बिष्ट जी, आपका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे हिमगिरी की आवाज़ आपके अपनी आवाज़ में। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे सर कि जो सेकंड वेव कोरोना की आई है, खतरनाक किसके इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी वेव में एक तरह से हमें कोरोना महामारी के बारे में या वायरल डिजीज के बारे में इन जनरल एक नई तरह का ज्ञान दिया है। देखिए, पहली लहर पूरे एक साल चली थी, 6 महीने पीक पर आई, फिर 6 महीने ढलान पर गई। तो इस दौरान हमने बहुत बारीकी से कोरोना का अध्ययन किया था। तो उस दौरान हमने इस तरह के जो रैपिड एकदम स्प्रेड था ये भी नहीं देखा। उस दौरान हमने ये भी नहीं देखा कि लंग्स में, तब हम जब देखते थे कि अगर 10 के करीब का स्कोर है चेस्ट एक्सरे में या सीटी में तो हमें लगता था बहुत ज्यादा है। अब आपको 20 के आसपास का स्कोर या 15 से ऊपर का स्कोर जो है आराम से मिल जाएगा, और वो मरीज आराम से सांस लेता हुआ, ऑक्सीजन से ठीक होता हुआ भी मिल जाएगा। हालांकि इसने हमें काफी मजबूर किया ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए। लेकिन एक चीज जो अच्छी रही कि डॉक्टरों को इसके बारे में काफी हद तक ज्ञान था। दूसरी लहर में जो अब संभल जाएगी मुझे लगता है बहुत जल्दी, उसके पीछे यही कारण होगा कि अभी कोरोना के बारे में उतनी अजानता नहीं है जितनी पहले थी। तो 18 प्लस के लिए भी जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर हम मिथ्स की बात करते हैं, भ्रम की बात करते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज जो है वो सामने आते हैं, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना क्या है, महामारी क्या होती है कि आपका आसमान जो है, जो ग्लोबल थिंकिंग का है, वो काफी नीचे आ जाता है। तो लोगों ने डर के मारे सोशल मीडिया को अपना घर बना लिया। तो लोग अपने घर में नहीं रहते, अब लोग रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो वो किताबें नहीं पढ़ते, वैज्ञानिक जानकारियां नहीं हासिल करते। तो एक सोशल मीडिया में जो रोटेट होने वाली चीजें हैं उनसे भ्रांतियां फैलती है। तो ये अब देखिए, एक छोटा सा रोग जो 1.5 साल से ज्यादा समय से आपके सामने है, दो फेज की बीमारी है, पहले फेज में वायरस बढ़ रहा है, दूसरे फेज में इम्यूनिटी वाला है। 7 दिन के भीतर वायरस का बढ़ना शुरू होता है, उस समय बहुत जरूरत पड़ने पर ही रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है। दूसरे फेज में इम्यूनिटी या अपनी ही जो प्रतिरोधक क्षमता है वो लड़ती है वायरस से, उस दौरान स्टीरॉयड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसका कोई तीसरा इलाज है ही नहीं। तो गलत जानकारियों के लिए ये सोशल मीडिया का जो रोटेटरी स्वभाव है फैल के, वो भी जो वायरल होती है सोशल मीडिया में, वो बहुत बड़ा वायरस है। तो उस वायरस से भी हम बहुत बड़े रूप पैमाने पर ग्रसित है। बिल्कुल कह सकते हैं सर कि जो आधी अधूरी जानकारी है उससे बिल्कुल बचें। तो जैसे कि अगर बात की जाए, इसमें शुरुआती जो गलतियां हो जाती हैं, कई गलतियां, जैसे आपने कहा कि हम खुद ही होम रेमेडीज अपना लेते हैं या फिर हम खूब सारी दवाइयां ले लेते हैं, तो कुछ की पॉइंट्स मैं जानना चाहूंगी, कुछ मिस्टेक्स जो हो जाती है और जिसकी वजह से गलत अंजाम देखने को मिलता है शुरुआती सिम्टम्स में। देखिए, पहले शुरुआती एक हफ्ता कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इस दौरान बुखार तेज होता है या गले में खराश या दर्द होता है और बलगम भी ज्यादा नहीं आता। सिर्फ इस दौरान एक ही जो असुविधा होती है वो तेज बुखार का होना और शरीर में दर्द होना। जब बुखार नहीं उतरे तो हम कहते हैं पैरासिटामोल के साथ साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग भी करें, ठंडे पानी की बाल्टी में तौलिए को
भिगोएं, निचोड़ें, फिर उससे शरीर पोछें, फिर यही साइकिल 10-12 बार आप रिपीट करें बॉडी में। कोल्ड स्पॉन्जिंग किसी रुमाल से नहीं हो सकती, बड़ा टॉवल चाहिए, पूरी बॉडी को गीले टॉवल से पोछना है बार बार, जब तक कि टेम्परेचर काफी डाउन ना आ जाए और आदमी खुद को ठीक न महसूस करे। इस दौरान खान पान का सही ख्याल रखना है, अगर शुगर नहीं है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज वालों को पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डायबिटिक डाइट पर रहें, और हल्का फुल्का आप घर के अंदर हैं तो घूम फिर सकते हैं अपने आंगन में, हाथ पैर चलाना भी जरूरी है, और आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो सांस का ख्याल रखना जरूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी के लक्षण जैसे बेचैनी, घबराहट, मछली आना, चक्कर आना जो कि सबसे बड़ा सिम्टम है, और प्लस ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया हम जिसे कहते हैं, साइलेंट हाइपोक्सिया जिसमें हाइपोक्सिया का पता नहीं लगता, उसमें पसीना आना एक प्रमुख लक्षण है, और दूर से देखकर व्यक्ति के होंठ आपको नीले या बैगनी नजर आएंगे, वैसे ही नाखून भी, ये हफ्ते के अंत तक आएंगे जो ऑक्सीजन की कमी वाले लक्षण हैं, हफ्ते के अंत या उसके बाद भी, उससे पहले ये लक्षण नहीं आने वाले। उस दौरान आपको जरूरत होती है कुछ ब्लड टेस्ट की या एक्सरे की, उस दौरान अगर आपका निमोनिया या इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं एक्सरे में या ब्लड टेस्ट में कुछ और चीजें दिख रही हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन है या फिर थायराइड की गोलियां हैं इस तरह की दवाएं देंगे या एंटीबायोटिक कोई विशेष जरूरत पड़े तो। पहले हफ्ते के अंदर आपको ये स्टीरॉयड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। माइल्ड डिजीज में बुखार उखार नहीं जा रहा है और आदमी पस्त पड़ा है और उसके कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं बुखार नहीं जाने के बाद आपने किया है, तो उस दौरान हो सकता है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़े। देहरादून में अगर आप रह रहे हैं, दून और कोरोनेशन के सरकारी डॉक्टर हैं और कुछ प्रतिष्ठित प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं जो कोरोना को लगातार देख रहे हैं, उन वो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की या ICMR की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं उसी हिसाब से करना है। ये नहीं करना है कि ये दवा भी आ गई है ये भी काम कर रही है तो इसको भी चला दो, ये कोई तरीका है ही नहीं। तो एक्चुअल में अगर कोरोना सीरियस हो जाता है तो स्टीरॉइड के अलावा कोई दवा नहीं है, और स्टीरॉइड के बारे में आप देख ही रहे हैं, अत्यधिक स्टीरॉइड के यूज से काला फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी भी हो रही है जो जानलेवा है। HIV वगैरह के केस में तो 100% मोर्टेलिटी है, बाकी केसेस में 50% तक मोर्टेलिटी है। सर, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि लोगों के दिमाग में ये भी बहुत ज्यादा डर पैदा हुआ है, जैसे ब्रीदिंग इश्यूज की हम बात करते हैं तो कोरोना जो है वो आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा, तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है या इस प्रॉब्लम के साथ टैकल कैसे किया जाए वो भी पूरे पेशेंट्स के साथ? देखिए, कोरोना लंग्स की या फेफड़ों की बीमारी है ही, कोरोना एक वायरल डिजीज है जो ब्लड वेसल्स की बीमारी है, जो हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज होती हैं, छोटी सिराएं होती है रक्त की, उनमें ही क्लॉटिंग कर देती है, जैसे फेफड़े के अंदर ये नई सिराएं बनाने का काम करता है फटाफट, तो फेफड़े के अंदर एक फंट हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी आने लगती है जी। तो इसको हम निमोनिया भी नहीं कह सकते सीधे सीधे कोरोना के, कोरोना वायरस अपने आप में कोई निमोनिया नहीं कर रहा तो, और लंग्स हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत उसमें सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो हम थोड़े से में ही लंग्स में कुछ होता है तो घबरा जाते हैं। इसके लिए इसके लिए जरूरी है अपना खान पान नियमित रखना, जो आप खाते हैं रेगुलर वही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी के लिए कोई इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत नहीं होती। आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अंडा खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वही वेजिटेरियन डाइट प्रॉपर खाइए, दालों को मिक्स करके खाइए, सब्जियों को रोटेट करके खाइए, टाइम से खूब पानी पीजिए, अगर मिल्क लेते हैं मिल्क लीजिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, और यही आपकी इम्यूनिटी है। सैनिटाइजर बार बार आप यूज करिए, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ये अच्छी बातें हैं, इससे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हो। एक चीज जो देखने में आ रहा है वो ये है कि ज्यादा जो जिनका वजन होता है सांस की तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो जो डायफ्राम होता है जो सांस की मेन मसल है उस पर दबाव पड़ता है पेट से, तो उनका तो लंग पहले से ही कम फूला हुआ होता है। फिर मोटे लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया की भी एक बीमारी होती है, मोटे लोगों में शुगर की बीमारी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो मोटापा अपने आप में कोरोना के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उभर करके आया है। लेकिन अभी वैक्सीनेशन की बात चल रही थी सर, तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, वैक्सीन जब लग जाती है आफ्टर फर्स्ट डोज, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है वो
बन जाता है कई बार कि ओके अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आफ्टर वैक्सीनेशन या वैक्सीन के जो फर्स्ट डोज है वो आप अगर लगाते हैं तो उसके बाद भी आपको क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी है? देखिए, वैक्सीनेशन के दो तरह के फायदे हैं। पहला ये है कि आपको कोरोना नहीं होगा जी। हो गया तो सीरियस नहीं होगा, सीरियस भी हो गया तो जान बचेगी। ये तीन जो व्यक्तिगत फायदे हैं इसके लिए हम कहते हैं आप वैक्सीन लगाइए। दूसरा क्या है, सामाजिक फायदा यह है कि वैक्सीन लगाया हुआ व्यक्ति दूसरों में कोरोना नहीं फैलाया, कम फैलाया। पहली डोज लगाने के बाद आपको प्रतिरक्षा तो मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं मिलती कि आप कहोगी मैं मास्क फ्री हो जाऊं। मास्क फ्री नहीं हो सकते, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रखनी पड़ेगी। दूसरी डोज के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि जहां तक है कि आप मृत्यु से बच जाएंगे, लेकिन तो भी इसकी 100% गारंटी तो किसी भी दवा से, किसी भी इलाज से दी नहीं जा सकती। इसलिए दो वैक्सीन की डोज लगाने के बाद भी आपको जो प्रतिरक्षा की जो नियम है इनको पूरी तरह से पालन करना है। एक भ्रांति और है कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आ गया, वैक्सीन की वजह से कोरोना हो गया। होता क्या है, जब आप वैक्सीनेशन की लाइन में जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कोई एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति हो जिससे आपको ये फैला हो, क्योंकि आपने सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन का पालन नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद कोरोना उपयुक्त व्यवहार आपने नहीं किया तो आपको वो किसी और से कोरोना आ गया, वैक्सीन की वजह से वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो सर, जो वैक्सीन की बात है इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की हम बात करते हैं तो लोगों में ये भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, कौन सी ज्यादा जो है इफेक्टिव होगी, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे लोगों? हमने इसको भी इतना सटीक मान लिया है कि कोवैक्सीन सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोवैक्सीन के बारे में एक स्टडी आई थी कि ये नए वेरिएंट के प्रति भी कारगर है, कोविशील्ड के बारे में वो स्टडी हुई नहीं थी। कोविशील्ड कंपोनेंट है और कोवैक्सीन में पूरा वायरस जो है डेड वायरस है, तो इसके चलते कई लोग ऐसा सोचते हैं जिसको कोवैक्सीन मिल रही है वो कोवैक्सीन लगाएं, जिसको कोविशील्ड मिल रही है वो कोविशील्ड लगाएं। तो वैक्सीन लगाने से पहले कुछ लोग हैं जिन्हें कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कुछ हेल्थ इश्यूज जिनको होते हैं, तो बेसिकली इस बारे में कौन कौन लोग आप कहना चाहेंगे जो कि जरूर जिन्हें कंसल्ट करना चाहिए बिफोर वैक्सीनेशन? सच बोलो तो वैक्सीन इतनी ज्यादा जरूरी है इस चेन को तोड़ने के लिए। एलर्जी वाले डर रहे हैं तो उसके लिए आप एलर्जी की दवा पहली रात में खा करके अपने डॉक्टर से परामर्श करके दूसरे दिन आप लगा सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से, यानी कि कभी वैक्सीन लगी थी उससे भयानक आपको रिएक्शन हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चीजें तो बहुत ही माइनर कंट्राइंडिकेशन हैं कि किसी को ब्लीडिंग का डर है, कोई एंटीकोगुलेंट खा रहा है, किसी को और तरह की बीमारी है, तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं बीपी, शुगर, दमा का होना, एलर्जी का होना, इसके लिए कंट्राइंडिकेशन है, वो ज्यादा डरे नहीं। स्तनपान करने वाली महिलाएं, अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल से ऊपर है तो मुझे लगता है कि 1.5 साल के बाद वैसे भी स्तनपान की जो गाइडलाइन है वो है नहीं, तो 1.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो स्तनपान छुड़वा करके वो वैक्सीन लगाना ज्यादा असरदार होगा जीवन रक्षा के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी वैक्सीनेशन के बारे में हमें दी, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आज ये भी सामने आ रही है जैसे कि आपने बताया अभी कि कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम घर पे ही ठीक हो सकते हैं आइसोलेट होकर, तो कौन से और जरूरी चीजें हैं सर जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए आइसोलेशन के टाइम पे ताकि हम भी ठीक रहें और घर में जो अन्य सदस्य हैं वो भी संक्रमित ना हों? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, महामारी का मतलब समझना होता, किसी चीज से भागने से काम नहीं बनने वाला। बुखार जो है कोरोना का सबसे सटीक लक्षण है, अगर बुखार है तो सबसे पहले कोरोना मान के आप आइसोलेट हो जाएं और कोरोना की जांच जल्दी, जितनी जल्दी आप करा सकें कराएं, ताकि आपके परिवार को संक्रमित ना हो। बुखार जो है इसका सबसे बड़ा लक्षण है, गले में खराश, शरीर में दर्द होना, गला एकदम चोक सा हो जाना, इस तरह के बाकी लक्षण हैं इसके। तो कृपया करके आप होम आइसोलेशन में रह लें शुरुआत से ही, आप कोरोना की जांच कराएं और जो दवाएं हैं कोरोना की वो सामान्य रोगों में, यहाँ तक कि एजिथ्रोमाइसिन है वो टाइफाइड में भी काम आती है, कि उन दवाओं को खाने से कोई हर्ज नहीं है। आपको कोरोना नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नुकसान कर रही है। कोरोना नहीं है, अगर आपको आरटीपीसीआर के बाद नेगेटिव आ रहा है
तो आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन वही जो प्रिकॉशंस हैं उन सबका पालन करिए। तो कुल मिलाकर कहें सर कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, चाहे वो वायरल के ही क्यों ना हो, लेकिन आपको आइसोलेट होना चाहिए एंड जो शुरुआती जो प्रिकॉशनरी है उनको फॉलो करना चाहिए। तो आखिर में एक बहुत ही खास सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर, इस वक्त एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है हमारा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में ये जो रहनी चाहिए कि हमें कोरोना से लड़ना है, सिम्टम को छिपाना नहीं है, हमें सिम्टम है तो उन सिम्टमों का हमें इलाज भी करना है, आइसोलेट भी होना है। वैक्सीनेशन के लिए हमें जीत तोड़ करके इसमें हिस्सा लेना है कि हमें वैक्सीनेशन कराना ही कराना है। मास्किंग जो है हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय है, ज्यादातर शादी समारोहों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं जो फिलहाल हमें ध्यान देनी होगी, तभी जो है हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। शुक्रिया।